मालिक दी सजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, जो भी सत्संगत सत्संग में आश्रम में चल के आई है, आसपास से दूर दराज से अपने कीमती समय में से समय निकाल के समय को और भी कीमती बनाने के लिए आप लोग पधारे हैं, पधार रहे हैं, आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। जिस तरह सात संगत नु पता है, दूजा हफ्ता पंजाब दी सात संगत राम नाम दे गुण गाउंदी है, मनाउंदी है। तुसी सुनिया दुनिया दी मंडी विच्चों करके व्यापार चले, पूंजी सी जेड़ी पल्ले जुए विच हार चले। सब तो पहला ये जानना जरूरी है केड़ी पूंजी है, केड़ी दौलत जो इंसान लेके आंदा है, और केड़ा जुआ है जिदे विच हार जांदा है। दौलत कीमती साह हन जो परम पिता परमात्मा तो जीवात्मा लेके आंदी है। लिखे तेरे सास गिरास, परमपिता परमात्मा ने हर जीवात्मा नूं साह लिख के दिते हन। जद उन्हां दी अवधि पूरी हो जाती है, मुनियाद पूरी हो जाती है, तो आत्मा नूं शरीर छड़ना पैंदा है। कई बार तुसीं देखिया होवेगा बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल नौजवान, कोई बीमारी ना होवे जिन्हां नूं, अचानक एक पैर विच चप्पल पाई, जुत्ती पाई, दूजे पैर विच जुत्ती पाउण दा मौका ही नहीं मिलिया और आत्मा शरीर छड़ गई। क्योंकि परमात्मा ने श्वास लिखे हन, और तिल बदे नराई कटे जो लिखती करतार। तिल दे दाने जिन्नी बद नहीं सकदी, राई दे दाने जिन्नी घट नहीं सकदी श्वासां दी गिनती जो परम पिता परमात्मा ने लिख दिती है। समा घट वध सकदा है, किन्ना समा तुसी लेंदे हो वो श्वास लैण लई, ये संभव है। सो समा घटाया बधाया जा भी सकता है। इंसान जद नशे करता है, चरस, हेरोइन, स्मैक, भंग, अफीम, शराब, सो ये भयानक नशा नाल मेडिकल नशे भी हैं, तुहाडे श्वासां दी रफ्तार तेज हो जाती है। आम तौर पर मनिया जाता है एक मनुख एक मिनट विच 16 तो 18 बार सा लेंदा है। पर जब तुसी नशे दे आदि हो जाते हो, नशा करन लग जाते हो, तो यही सा एक मिनट विच 16-18 की जगह से 30-32-36 तक पहुंच जाते हैं। यह सा एक मिनट च अगर 16-18 तुसी लेंदे तो कुल सा तुहाडी आत्मा नूं जो मिले हैं वो टाइम बनता 60 साल 100 साल। पर जिद्दां ही तुसी नशे करन लगे, श्वासां दी गिनती एक मिनट च डबल कर दित्ती, तां उह घट के 60 तो 30 100 तो 50 साल रह जांदा है। ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। कई पंजाब तो सत्संगी आए, अमृतसर दे लागे पिखी पिंड बहुत संगत आई, दस्या हुण तां सानूं पता नहीं, कुछ देर पहलां दस्या कि पिता जी उस नगर च 30 तो 35 साल दियां विधवावां जिन्हां दे पति मर गए बहुत हन। कारण नशा, नशे दी वजह नाल बर्बादी आई। बड़े लोग सोचदे
ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਈਏ? ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ? ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਬੋਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੱਬੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਔਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਸ? ਕਈ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਕਾਗਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਚ, ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ 18 ਲੈਣੇ ਸੀ ਔਰ ਲਿਆ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਹ ਓਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਵਧਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਈਰਸ਼ਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਜਲਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਚ ਮੱਚ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਲਾ ਮੱਚ ਕੇ ਰਾਖ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜੀ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਔਰ ਕੋਇਲਾ ਜਲ ਭਇਓ ਰਾਖ, ਲੱਕੜੀ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਔਰ ਕੋਇਲਾ ਜਲ ਭਇਓ ਰਾਖ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਮੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਜਲੋ ਕੋਇਲਾ ਭਇਓ ਨਾ ਰਾਖ। ਲੱਕੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਇਲਾ ਜਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਚ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਖ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੁਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਚੈਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨਮਤੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਗਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਜ ਦਾ, ਇਹ 7 ਗਜ ਦਾ, ਇਹ 8 ਗਜ ਦਾ, ਇਹ 9 ਗਜ ਦਾ। ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 9 ਤੀਆ 27 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 62 ਇੰਚ ਐ ਲੱਗਦਾ, 62 ਇੰਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ 7 ਹੱਥ ਦਾ, ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੱਥ, 7 ਦਾ ਮਤਲਬ 10.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਚਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਚ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਰਹੇ
थलड़ा समान फुट डेढ़ फुट का ही रह सकता है। फिर गड्डियां देख लो जिहड़े अज खिडौने हैं वह गड्डियां बन जाणगियां, और जिहड़े बच्चों के छोटे छोटे घर जे बनते होंगे वो ही घर बन जाया करनगे। वैसे बचत तो बहुत हो जानी है पर नुकसान बेहद ज्यादा, क्योंकि दिमागी सोच अज के बंदियां दी बेहद तेज है, इहदे च कोई दो राय नहीं, पर जिस्मानी ताकत नहीं है। जिस्मानी ताकत का तो यह हाल है, घर बनाउंदे है सारा कुछ ठीक है, रसोई के नाल भी टॉयलेट चाहिए है, बनाउंदे बनाउंदे आ गई फिर। और पहला जमाना से लोग खेतों च कोई यह जी खूही वगैरह खुदवाउंदे उत्थे जाया करते, दूर जाते ताकि उन्ने नाल चहलकदमी धक्के नाल ही हो जाती सी। अजकल दूर जाना पवे तो मोटर गड्डियां असी रोकते नहीं, तुहानू चाहे मोटर गड्डी दे विच करी जाओ, तुहाडी गड्डी असी की लेना। पर साडे दसण दा मतलब अज इंसान इन्ना कमजोर हो गया है, और आने वाले टाइम च किन्ना होवेगा तुसीं अंदाजा नहीं ला सकते, क्योंकि जदों गजां च गिणती हुंदी सी किसी ने नहीं सोचा होना भी इंचां च भी होया करूगे। सो ये हकीकत तुहाडे सामने है कि तुसीं नशा छड्डना है या नहीं। अज तुहाडे बच्चे नहीं नशा करते, कल नूं अगर सारे समाज च नशा फैल गया, सारे समाज च बीमारी फैल गई, कितने तो बच्चों की शादी करोगे, और वो बच्चा तुहाडे घरे आ जाना है, तुहाडी नूंह बन के तुहाडा जवाई बन के, फिर किवें बचोगे। सो ये नशे बर्बादी वाले पासे इंसानां नूं लई जा रहे हैं। जहर जो फसलों में पाया जाता है, बुरा ना मन्यो, जिन्ने चमकदी सब्जी होगी उन्ने ही उहदे ते जहर की मात्रा ज्यादा इस्तेमाल की गई होगी, क्योंकि असी खेती की है, अब हुण भी करते हैं, जब भी मौका मिलता है गुफा दे विच आपदा अलग तो जगह बना रखी है, टाइम मिलता है जरूर उत्थे दाल लाने हैं। सो जिन्ना घट कीटनाशक पाया जाता है, कई देसी असी दवाइया बनाइया कि किसी तरीके उन्होंने वो बीमारी लगे ही ना, पर वरतों रोज एक दो दिन छड़ के करनी पैंदी, अक है धतूरा है तुम्मे हैं बहुत सारिया चीजा, उदे नाल जीव मरते नहीं और आउंदे ही नहीं उत्थे, कुछ इदा कि चिप चेपा टाइप जिहड़ा हुंदा है। पर फिर भी देखा गया कि सब्जी उन्नी चमकदार या उन्नी वधिया नहीं हुंदी जिन्नी स्प्रे नाल हुंदी है, यह साडा तजर्बा है। और तुसीं आ तां चमकदा है यह नहीं पता भी उहदे पालिश भी हो सकदा कीती होवे, पालिश दियां मशीनां आ चुकियां, पॉलिश बिल्कुल उन्हों पॉलिश किया जाता है कि फ्रूट की सब्जियां वो जिन्नियां चमकणगियां उन्ना ही तुहानू चंगा लगता, और यह नहीं पता वो दे कैमिकल की उन्नी वरतों ज्यादा की जाती है। सो खाण पाण विच जहर है, बंदियां दी सोच विच जहर, इत्थे पता नहीं किहड़ा बैठा किहड़े फुरने फुरी जांदा है, पता नहीं किहड़े दे किहड़ी अग लगी पई है। अगर इत्थे बैठे दा यह हाल हो सकदा है तो समाज घूमदे दा की हाल होवेगा, तुसीं खुद अंदाजा ला लो, क्योंकि बेपरवाह जी ने वचन किए हैं कि यह जगह सचखंड का नमूना, और ऐसा जैसी सोच करेगा कई गुणा बद के उन्हों पापां दा अधिकारी बनेगा, और उन्होंने दुख भोगने ही पैने हैं, कुलां तक गल जांदी है। पर नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, जिस दे अंदर खुद दियां कमियां दूर करने की हिम्मत नहीं वो बंदा दूजे दियां कमियां क्यों देखता है। इंसान अपनियां कमियां दूर करे, जेड़ी चीज तुसी अपने अंदर देखते हो वो तुहाडे अंदरों खत्म हुंदी है। तुसी अपने अंदर अवगुण देखो, तुहाडे अंदर केड़े केड़े अवगुण हैं, क्योंकि जो तुसी अपने अंदर देखोगे तुहाडे अंदरों घट जाना है। अगर अपने गुणा ते चौड़े हुंदे फिरदे रहे, भाई मेरे च बड़े गुण है, भाई मेरे वर्गा सोहना नहीं, भाई मैं आए, मेरे च दिमाग, मेरे च ताकत, मैं फलां फलां, सारिया चीजा डाउन हो जाएंगी। पर अगर तुसी देखते हो कि हां भाई मेरे च केड़े अवगुण हैं, केड़ियां गलत आदतां हैं, परमात्मा रहम करे, दया करे, तुसी उहदा नाम जपो और अपने अंदर दे अवगुण देखो, तो तुहाडे वो अवगुण खत्म हुंदे जाणगे, तुहाडियां वो कमियां दूर होणगियां। दूजियां च जो देखते हो वो तुहाडे अंदर आउंदा है। हुण तुसी दूजियां दीआं बुराइयां देखोगे, दूजियां दे गुनाह देखोगे, गंदियां आदतां देखोगे, तुहाडे अंदर आउणगियां। सो दूजियां चों देखो
गुण किस बंदे अंदर केड़ा गुण है, ताकि दूजियां चो देखोगे वो तुहाडे अंदर आएगा। अपने अवगुण और दूजियां दे गुण देखोगे, वो गुण ग्रहण कर लोगे, अवगुण छड़दे जाओगे, तो अल्लाह वाहिगुरु की रहमत तुहाडे ते बरसती जाएगी। सचियां गल्लां सचियां हुंदियां हन, कौड़ियां बहुत हुंदियां हन। सो यही सच है कि अज दे समय च जो मालक दा नाम जपदा है, परमात्मा दा नाम लैंदा है, कोई शांत है, उन्हों ही खुशियां मिलदियां हन, बाकी तो मच्चे सड़े बैठे हैं। इंसान रब दा नाम जद तक लैंदा है उन्हों खुशियां हन, जद तक रब नाल जुड़िया रहिंदा है परमानंद की प्राप्ति दे चांस बने रहिंदे हैं। जदों मनमते चलता है तो फिर हो सकदा इत्थों दीआं चंद खुशियां दिसण विच आउण, पर आत्मा की खुशी उस इंसान नूं कदे भी नहीं मिलती। बेचैन रहिंदा है, तड़फदा रहिंदा है, व्याकुल रहिंदा है। सो अपने अंदर दीआं कमियां दूर करो, परमात्मा नाल लिव जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक नूं मन्नो। जो भी तुहाडा धर्म है धर्म नूं मन्नो, दिखावा ना करो। अगर तुसीं धर्म दा पहनावा पहन के किसी ठेके अगे खड़े हो या कसाई दे घर दे कोले खड़े हो, किसी जीव दी बोटी बोटी करवा रहे हो, सानू दसो केड़े धर्म च लिखिया है जायज है। धर्मां दे जो पवित्र ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म दे असी चारे वेद, पवित्र वेद, पवित्र शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पंजवा वेद सारे पढ़े, सानू किते नहीं लिखिया मिलिया। सिख धर्म दी पवित्र गुरबाणी पढ़ी, किते लिखिया होया नहीं। इस्लाम धर्म दी पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, किते लिखिया नहीं ये गल। और ईसाई धर्म दी पवित्र बाइबल पढ़ी, किते नहीं हो लिखिया। शेख फरीद, नामदेव, तन्ना भगत, रविदास सारे धर्मां दी बाणी पढ़ी, किसे भगत ने किसे संत ने नहीं लिखिया तुसी नशे करो, तुसी किसे जीव हत्या करो या उन्हां दीआं बोटियां बोटियां कटवा के मजे लो, किते नहीं लिखिया, किते भी नहीं लिखिया। फिर इंसान इदां क्यों कर रहा है, केड़ा है उसका धर्म, की है उसका ईमान। धर्म तो सही सिक्ख्या दिंदे हन, पर कोई मन्ने ना तो की करे। असी तो सब नूं सिखाउंदे हां आप विच दी प्यार करो, परमात्मा का नाम जपो, मालक खुशियां देवेगा। पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, नफरत करता है, 4-5 करोड़ लोग जो परमात्मा के नाम इत्थों जुड़े हैं, तो सारे की तो गारंटी नहीं कि वह 100% इन्हां वचनां ते अमल करते हैं। इहदा मतलब साढ़े समझाउण च कमी है। असी तो कदे नहीं किसी कहते किसी के थप्पड़ मारो, किसी नूं कुट्टो मारो, किसी नूं गलत बोलो, किसी नूं बुरा बोलो, कदे नहीं सिख्या दिंदे। फिर इंसान अगर उहदा मन हावी हो जाए और वह इदां दे कारनामे करन लग जाए तो दिर फिटे मूँह उस इंसान ते और जम्मण वालियां ते। संतां दा ते इहदे विच कोई दोष नहीं। 1948 तो लैके हुण तक और अगे तक एक शब्द दसो असी किसी नूं बुरा या किसी धर्म की निखेधी की होवे। सवाल पैदा नहीं हुंदा क्योंकि असी तो सारे धर्मां नूं मनदे हाँ और अरबों बार उन्हां गुरु संत पीर पैगंबरां नूं नमन करदे हाँ जिन्हां ने साडे समाज लई पवित्र ग्रंथ लिख के कुंजियां, जिवें किताब दीआं कुंजियां हुंदियां, एक बुक हुंदी है उहदे च सारा कुछ हुंदा है लेकिन एक कुंजी बना दित्ती जांदी है। पहले उन्हां नूं कुंजी कहा जांदा सी कि भाई उहदे च सारे क्वेश्चन आंसर हुंदे सी जो उहदे चों बन सकदे आ बुक चों, उस चैप्टर चों। सो संतां ने सारे धर्मां अंदर सानू कुंजियां दित्तियां हन जिहदे नाल असी काल दे ताले खोल सकीए और खुशियां नाल माला माल हो सकीए। सो उन्हां दा जिन्ना नमन किया जाए, जिन्ना सत्कार किया जाए उन्ना थोड़ा है, पर कुरीति नूं अगर टोकांगे नहीं तो वह तो बधेगी, फिर रीत दब जाएगी। कुरीतियां तो असीं जरूर कहिंदे हां ये कुरीति है, ये गलत है,
सो अज समाज दे विच इंसान अपनी जो करनी सी उन्हों भुल चुकिया है। सारे धर्म अंदर लिखा है इंसान का पहला फर्ज सुबह सवेरे उठ के फ्रैश होने तो बाद रफा हाजत जाने तो बाद हथ मुंह तो नींद उड़ जाए और अगर तुहाडे शरीर चो कोई बदबू आती है तुसी गृहस्थी हो या गृहस्थियों वाले काम करते हो नैचुरली बदबू आनी है काम कीड़ा तुहाडे ते चढ़िया होया है सो नहा लो ताकि तुहाडे पिंडे चो तुहाडे शरीर चो बदबू ना आवे और फिर परमात्मा की याद विच बैठो मालक की भगती विच बैठो। सारे धर्मां च दसिया है सब तो पहला काम ही यह है जो करन वाला उदू बाद कुछ भी खांदे पींदे हो कुछ सैकेंड लगनगे परमात्मा नू याद करके ही बुरकी कौर मूँह विच पाओ नारा लाओ मालक नू याद करो कि मालका तंदुरुस्ती बख्शी। पहला साढ़े बुजुर्ग इदा करते सन और अज भी सत्संगी मालक दे प्यारे सारे धर्मां नू मनण वाले लोग इदा करते हैं पर बहुत घट गिनती है बल्कि उठ दी तरह ढिड भरन ते ज्यादा ख्याल हुंदा है रब दे नां वाले पासे तां ख्याल ही नहीं हुंदा भी मैं पकौड़े चक लां दूजा किते चक के ना लै जे प्लेट खाली ना हो जाए। देख लो तुसी ब्याह शादियां च असी सारे धर्मां च गए हां कोई भी पवित्र बाणी पढ़ी जाती है जदों ब्याह शादी हुंदी है सारे धर्मां च अलग अलग अपने अपने धर्मां दी बाणी पढ़ी जाती है और जिहड़े नौजवान जी बैठे हुंदे हन क्योंकि साडी अवस्था भी जवान ही रही 23 साल दिया तो दाता रैबर ने सानू इत्थे बुला लिया सो जवानी च असी सी सोना च ही बहिंदे ज्यादातर और सुणनू की मिलदा यार ये बाबा लम्मा ही करी तुरिया जांदा है भी तू जिहड़ा काम करन वाला कर साडे पकौड़े ठंडे हो जाणगे है तैनू कोई गल नहीं बात नहीं तू मुका दे काम क्यों बधाता बल वांगू। असी कहिंदे ओए रब दी बाणी है अल्लाह दी बाणी है राम की बाणी है सुनो वो कहिंदे सुणे ही पिया यार ढिड च चूहे गुद्दी जांदे बस कोई उन्हों टेढ़ियां अखां नाल देखता भी बाबे नू चक के लै जाइए तो चंगा है वह अड गल है लोक लाज की वजह नाल चक्या नहीं जांदा। सो दसो थोड़ी जी देर भी रब का ना सुनना गवारा नहीं तुहानू कई बार गल सुनाई साईं मस्ताना जी महाराज के समय थी एक बंदा खाद स्प्रे चक रहा सी बंदियां दा टट्टी पेशाब भी साफ कर रहा सी और कूड़ा करकट साईं जी कहिंदे भाई राम का नाम जपना बड़ा मुश्किल है लोगों नू क्या कर दे भी अल्लाह वाहिगुरु दे नाम दी अलूणी से लै इनू खाना चटना बड़ा मुश्किल है। तो एक दिन साईं जी ने उसनू देखिया भी ये खाद पाउंदा फिरदा है गोहे च मत्था मारदा है पेशाब च मत्था मारदा है कहिंदे आ भाई क्या लेता बरी कहिंदा जी सारे दिन दे 8 आने 25 पैसे जो भी उदो टाइम सी या रुपया मान लो तो आप रुपया मान लेंदे हैं। साईं जी कहिंदे भाई ऐसा है तेरे को हम 2 रुपए देंगे डबल। बड़ा खुश होया कहिंदा की करना होवेगा साईं जी कहिंदे मस्ताना जी महाराज इदां करियो नहाला नहा लिया धोते कपड़े देते कपड़े पाला पा लिया कहिंदे बहना होगा कहिंदा अच्छा सिर्फ बैठण दे 2 रुपये। बड़ा खुश होया बड़ा ही खुश होया आसन लाता कहिंदे लै बह जा आ लै तेनू नाम दिंदे आ रब दा नां जपदा रह। बड़ा वधिया कपड़े पाए बड़ा सोहना बिस्तरा बिछाया पलाथी मार के बाता घंटा होया अद्धा घंटा होया उहदे तां खुरक लड़न लग गई कदे किते हथ मारे कदे वेखे भी कोई मिल जाए अज भी यही हाल है लोगों का। सो 2 घंटे होए उन्हें उल्टी आने वाली हो गई 2 घंटिया च चक के पूछ भजया साईं जी के चरणों च कहिंदा बाबिओ तुसी आ लो तुहाडे 2 रुपये ते मैं तो कपड़े भी पुराने पाया आ चको तुहाडा धोती कुरता मैथों नहीं रब का नाम ले जांदा मैं तो गंदगी चक लूँ मैनू 2 रुपये ही ठीक है। सो ये हाल है परमात्मा की याद च बिठा के देख लो सामने बिठा लेने लग जू पता थोड़ी जी देर च ही उत्थे खुरक हुंदी है जिथे कदे हो ही ना हो।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਲਾਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਢਿੰਕੜ ਆਏ ਸੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਲਾ, ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦਿਨਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਟੱਟੂ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਮਹੀਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾਮ, ਕਰਾ ਗਿਣਤੀ, ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ, 1 ਘੰਟਾ ਜਪ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਤਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਕੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਮੱਚਿਆ, ਸੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਟ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਨਾਮ ਲਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਘੰਟੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ ਜਪਿਆ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਹੇਲਪੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਅਧੇੜ ਅਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਧੀਂਗੜ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਾੜਾਂ ਦਾ ਭੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚਬੂਤਰਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੱਕੇ। ਲਓ ਬਈ, ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਾਥੀ ਦੇ, ਜਪੋ ਨਾਮ। ਪਲਾਥੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਲਾਥੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਮਣ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧੌਣ ਤੁੜਾ ਲੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾ ਜਪਣ ਪਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਜਪਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਛੋੜੇਂਗੇ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਪ ਲਓ, ਕਈ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਆਖਿਰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਪ ਲਾ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘੰਟਾ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ, ਔਰ ਕਈ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਬੜਾ ਲਿਚੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਪਣਗੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਪ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਜਪ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੇਂਕੜੀ ਬਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੇਂਕੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ, ਅੰਧੇਰ ਰਾਜਾ। ਸਭਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ, ਅੰਧੇਰ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਗਧਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਖੱਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਭੇਡ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਦੇ 7 ਮਲਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ? ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਹਨ, ਵਿਕਾਊ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਧਿੰਗੜ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ 10-10 ਰੁਪਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਮਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ। ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਸੱਜ ਧੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੈਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੈਲੀ। ਜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਪਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈਸਾ, ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਨੰਗੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਫਿਰ? ਇਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਫੜ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਗਧੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੋਰਾ ਚੰਗਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਧੇੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 16-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਧਾ ਬੈਠੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫੇਰ ਮਿਲੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਵਿਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੋ ਜਣੇ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰੱਖੀਏ, ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਭੋਲੇ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭੋਲ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਲੋਕ, ਤੇਲ ਸੀ ਕੋਲੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਂ, ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਬਦਬੂ ਆਈ, ਹਿੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੀ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਫਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਰੁੱਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੋਨੇ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
बुरे काम कर लो तो खुश होंगे भी बहुत वधिया भाई बर्बाद हो रहा अंदर ही अंदर खुश बाहरों नहीं बोलते। सो किसे गलों छड़दा ना संसार च ऐसा घोर कलयुग आ गया है ऐसा भयानक समा है। ये ना बेपरवाह जी ने लास्ट लाइन लिखी है कि सब तो अलग रवे रब का ना जपता रवे नेक भले कम करता रवे धर्मां ते अमल करे ता बचा हो सकता है वरना सजणों कोई बचा नहीं। सो रब का ना जपया करो मालिक की भगती इबादत करो लोग हसदे तो हसन दो हसते ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल नू जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कर लो किसी की परवाह ना करो रब का ना जपो मालिक की भगती करो सब का भला मंगो। सो तुहाडे सवाल आए हैं एक परची साडे कोल भी आई है वह खास दी है किसी की पर जिहड़ी तुहाडे कोल इधर आई हैं वह तुसीं पढ़ दिओ फिर साडे वाली असीं पढ़ देंगे। हाँ जी चलो जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुखदीप इंसान ब्लॉक तलवंडी साहबों से पूज्य पिताजी हमारे शादी पर और बच्चे के जन्म पर क्षेत्रपाल को बकरा दिया जाता है क्या यह सही है जी? 100% गलत है। नितिन इंसान ब्लॉक बराड़ा से पूज्य पिताजी आप जी की दया मेहर से दाग प्रोग्राम का प्रसाद लेने से मेरे अंकल के घर 5 लड़कियों के बाद लड़के ने जन्म लिया है जी बच्चे का नाम रखवाना और ब्लड फंड में भी 1000 रुपए जमा करवाए हैं। मालिक ने रहमत की बेटा सब उसका रहमो गरम है आप पवित्र ग्रंथ खोलें पहला अक्षर अपने ग्रंथ का जो आता है नारा लगा के नाम रख लें। संदीप इंसान पूज्यपिता जी यदि किसी की कही बात सच हो जाए और बार बार सच होती हो तो इसका क्या अर्थ है जी लोग इसको काली जुबान कहते हैं क्या यह है सच है जी? किसी का बुरा कोई कहता है और वो कई बार हो जाता है बाई चांस ऐसा हो जाता है किसी की इदा की अंदर नहीं हों सो इदा का कुछ नहीं हों कोई काली पीली नीली जुबान नहीं हूँ जुबान का रंग तो लगभग एको जहा ही होंगे। सो भावनावान जरूर कई माड़िया होंदिया हैं सिमण करो कोई इदा की बात नहीं होंगी। नाम नहीं लिखा पूज्य पिता जी आप जी की दया मेरे रहमत से मैं अशोक कुमार सुपुत्र श्री मदन लाल निवासी रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा ने आप जी की प्रेरणा द्वारा कानूनी कार्रवाई पूरी करके दिनांक 23 नवंबर को अपना गुर्दा एक जरूरतमंद को दान किया है जी जिसकी पूरे इलाके में चर्चा है। वह मोहाली के डॉक्टरों वह गुर्दा लेने वाले व्यक्ति के परिवार ने कहा कि धन वो सतगुरु जिनकी इतनी अच्छी प्रेरणा है पिताजी आगे भी आप रहमत बनाए रखना जी। बहुत बड़ी गल है बेटा बहुत बड़ी गल मालिक बेहद खुशियां बख्शे सो सेवा सिमण च मन लगे घर च खुशियां आन बहुत बड़ी गल है। सो प्रसाद लियो परिवार को भी लेके जाए देके देना है सो मालिक खुशियां देवे बहुत बड़ी कुर्बानी है आशीर्वाद से। पर प्यारी सत्संग जीओ हाथ जोड़ के एक बेनती जरूर है अगे तो किसी ने भी कोई गुरदा दान क्योंकि गुरदा दान करने वाले लगभग जिन्हों के फार्म भरे गए हैं वह हैं 51,564 जिन्हों के लिखित च फार्म भरे गए हैं। सो बेनती यह है किसी ने भी बिना आश्रम तो बिना इतने जुम्मेवार तो पूछे गुरदा दान नहीं करना क्योंकि अजकल गुरदे का बिजनेस चल पाया है बाहरले देशों से लखा च बिकता है गुरदा ये लिख के आया पत्रिका च। सो कितें तुहाडा ये ना होवे कोई नुकसान कर दे या तुहाडी जिंदगी नूं रिस्क हो जाए खतरा हो जाए। सो बेनती है गुरदा दान करवाना है करना चाहते हो इतने फार्म भरे हैं कोई गुरदा लेना चाहता इतने आके मिले कानूनी कार्रवाई की जाती है वो बारे जो भी वकील सज्जन जानते हैं फिर जाके अच्छे स्पैशली डॉक्टर की राय ली जाती है कि तुहाडा गुरदा वो गुरदे नाल मैच करता है कि नहीं करता फिर गुरदा दिता जाता है। सो तुसी अच्छा किया बहुत वधिया किया मालिक खुशियां देवे। सो बह जाओ बेटा प्रसाद ले लियो पर सारी सत्संग नूं हाथ जोड़ के बेनती है आप मुहारे नहीं चलना इस मामले च अगे तो जरूर आश्रम जाके दसो जिम्मेवार तो आ गया लो असं भी तुहानूं प्रसाद देवांगे हो सकता तुहानूं तकलीफ जरा भी ना आवे और मालिक होर ज्यादा खुशियां तुहानूं बख्शे मालिक अगे दुआ करांगे करनी तो मालिक ने है जी। जगजीत कोटकपुरा से पूज्यपिता जी अपने देश में शादी के टाइम लड़की से पहले हार क्यों डलवाते हैं जी? तो चाहे लड़का डाल दे एक नहीं तो पहले डालना है कि नहीं डालना है? अगर पहले लड़के ने डाल दिया आप सवाल खड़ा कर दो कि पहले लड़का क्यों डालता है। सो कोई भी पा दिया साड़ी निगाह च कोई फर्क नहीं पैंदा कोई अगे पिछे पा दिया उहदे नाल कुछ नहीं हुंदा। सुखदुआ समाज से पलक महंत आप जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं नामदान भी लेना है जाम भी पीना है सुखदुआ दीदी मीना जी भवानीगढ़ वाले इनके साथ आई हैं। हाँ बहुत अच्छा बेटा आशीर्वाद। सो जिन्हों लोग हिंजड़ा या खुसरा कह के बेइज्जती करते हैं इतने सुखदुआ समाज कहा जाता है। सो तुहाडा घर है बेटा जी आया नू मालिक खुशियां देवे और आशीर्वाद तुम देख सकते हो ग्रीन एस की वर्दी पा रखी है और सेवा करते हैं बेहद और मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद बेटा प्रसाद ले लियो जी आया ना। रागी सुखदेव सिंह कोमल फरीदाबाद से गुरु जी मेरे ऊपर 26,40,000 का कर्जा है मेरा कोई बिजनेस नहीं है कर्जा कैसे उतरेगा जी? जी परमात्मा के जरूर दुआ करेंगे रागी साहब
ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਟਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਪੂਜਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਥਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕੀ ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਜ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਲਗਾਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲਨਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕੈਸੇਟ ਸੁਣੀ ਔਰ ਗੈਸ ਲਗਾਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ 90% ਪੇਪਰ ਗੈਸ ਮੇਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪੇਪਰ ਕੇ ਬਾਅਦ वो मुझे कहते कि तेरे पास जब इतनी बढ़िया टेक्निक है तो तू इसे यूज क्यों नहीं करती जी टेक्निक तो अच्छी है बेटा पर तैयारी किया करो सारी पढ़ा करो सिर्फ ये टेक्निक नहीं लगानी वो तो बाई चांस टेक्निक ने काम कर दिया पर ये मत सोचो कि सारा साल पढ़ो ही ना और आखिर में टेक्निक लगा लो ऐसा नहीं चलेगा सो मालिक ने रहमत कर दी बहुत बड़ी और आगे से लगन से पढ़ा करो सिमरन किया करो मालिक और ज्यादा टेक्निक लगाने से आपको तरक्की देगा खुशियां देगा अजय इंसान सर सबसे पूज्यता जी आप जी कहते हैं कि हमें ठोक बजाकर गुरु बनाना चाहिए पर जब छोटे बच्चे नाम लेते हैं तो उन्हें अध्यात्म के बारे में ज्यादा पता नहीं होता जी उनके माँ बाप को इस बारे में सोचना चाहिए इनका अगला प्रश्न पूज्यता जी आप जी कहते हैं कि ज्यादा अकल भी रूहानियत की तरक्की में बाधा है तो ज्ञान के साथ रूहानियत में तरक्की कैसे की जाए क्योंकि दुनियावी ज्ञान के साथ मन में ज्यादा प्रश्न खड़े होते हैं आप सुमण कीजिए सत्संग सुनिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब ना मिले फिर भी ना मिले तो लिख के भेज दीजिए तो आपकी जिज्ञासा शांत होगी अकल का दखल मतलब जब मन के अधीन अकल है आपका दसवां द्वार खुला नहीं मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन किए नहीं तो अकल तो तरह तरह की बात उठाती है तो उसका जवाब मिलेगा 100% मिलेगा लेकिन इसलिए कहा जाता है कि अकल मतलब मन का दखल नहीं होना चाहिए भक्ति में शशि इंसान प्यारे पिताजी हमारी दादी श्यामस्थाना जी महाराज के समय से ही डेरे में आती हैं लेकिन नाम उन्होंने परम पिताजी महाराज से लिया है पिताजी आप जी ने भंडारे पर जो निशानी दी थी वो सेवादारों से पूछकर उन्होंने ले ली पिताजी आप जी बताएं कि वो दांत उन्होंने रखनी है या वापस करें अगर उनका नाम अस्थाना जी टाइम लिया हुआ है तो वो ले सकते हैं रमेश इंसांगुला से पूज्य पिताजी क्या रविवार के दिन गांव में नाम चर्चा कर सकते हैं जी और गांव में अगर कोई चोला छोड़ जाता है तो सत्संगी नाम चर्चा कैंसिल कर देते हैं क्या ये सही है जी ऐसा होता तो नहीं क्योंकि अगर कोई चोला छोड़ गया चलो उसके दुख दर्द में शामिल हो जाओ और राम का नाम लेना तो उसके लिए फायदा ही है अगर आप उसके लिए ले लो तो और भी अच्छा विपिन इंसान बटरलाइन ब्लॉक से प्यारे पिताजी मस्त मस्त रूहानी नाइट्स में जाने से मेरे पापा को 16 लाख से ज्यादा का फायदा हुआ है जी आप जी से प्रार्थना है कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा चलाते रहना जी सेवादारों ने चाहा है कि हमारे लिए पिताजी आप टाइम निकाला करो और हम निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे सदगुरु के हुक्म से गुरदीप इंसान मैं गुरदीप पिछले दिनों डेरे के अस्पताल में पंजाब से बहुत मरीज आए निंदा करने वाले भी आए सारे बिल्कुल ठीक हो गए निंदा करने वाले आज सत्संग सुनने के लिए आए हैं आशीर्वाद चाहते हैं कोई बात नहीं बेटा इंसान का मन हावी होता है इंसान कुछ का कुछ बोलता है और जब मन डाउन हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है सुमन करें उनसे भी यही गुजारिश है नाम जपना मालिक और बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शेंगे रेखा इंसान कालावाली से पूज्यता जी मेरी दादी सास को कैंसर था सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था यहाँ पर आए बीमारी वाला प्रसाद आप जी की दृष्टि वाला लिया और 1 महीने के अंदर ही उनका कैंसर ठीक हो गया उनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया था अब वो सब कुछ खाते हैं और आज जाम पीने के लिए आए हैं 2100 रुपए दिन दुखियों की मदद में परमार्थ में बैंक में जमा करवाते हैं जी बेटा उनको आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे बिल्लू इंसान पूज्यता जी मैं बिल्लू इंसान जो 80 नशे के टिक्के लगाता था आप जी की दया मेहर से छोड़ चुका हूं बिल्कुल ठीक हूं 3 नशेड़ियों को नाम दिलवाने के लिए लाया हूं और आज मैं भक्त योद्धा का भी प्रसाद लेने के लिए आया हूं आज तक मैंने आपके आशीर्वाद से 100 नशेड़ियों को नाम दिलवाया है इसी प्रकार रहमत रखना जी हाँ बिल्लू जी आप कहाँ हैं यहाँ वो रहे अच्छा बहुत हिम्मत वाले हैं ये 80 नॉर्फिन फोर्बिन के इंजेक्शन लगाते थे और कोई भी नशा नहीं छोड़ते थे तो यहाँ राम का नाम लिया छोड़ के और ये खुद ही नहीं छोड़ा 100 नशेड़ियों को आज तक नशा छुड़वा चुके हैं राम का नाम दिलवा के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हर हॉस्पिटल से जवाब मिला कि आप नहीं छोड़ सकते यहाँ 7 दिन रहने से नशा छोड़ गए ये प्रभु की कृपा अल्लाह वाहिगुरु के नाम की महिमा
सो बेटा बहुत बड़ी बात, शाबाश। और ऊपर से आप भक्ति योद्धा बन रहे हैं, सो भक्ति योद्धा साथ संगत खुद ही बता दे, तो छोटी मोटी बात नहीं है कि वेश्या से शादी करवाए एक नौजवान, अपने आप में बेमिसाल। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार, सो मालिक आपको बहुत खुशियां बख्शे। प्रसाद लेना, परिवार को भी देना और नाम रिकॉर्ड पे चढ़ावा लेना, और जैसी शादी होती है तमाम बेअंतहा खुशियां मालिक घरों में भेज देते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। बलजेंद्र सिंह मलोड़ से, पूज्यता जी आप जी की रहमत से मैं दिल्ली सफाई अभियान में सेवा करने गया और बिना रिश्वत से मुझे पुलिस की में नौकरी मिल गई। पहनी तनख्वाह भी भलाई फंड में जमा करवाई है और छुट्टी न होने के कारण मैं नहीं आ रहा, मेरा परिवार आया है जी। आशीर्वाद दें जी। जी आशीर्वाद बेटा, मालिक की रहमत हुई, आशीर्वाद। इन्होंने नाम लिखा, पूज्य पिताजी आप जी के चरणों में बेनती है कि हम कुछ संगत नेपाल से आते रहते हैं और आज भी आए हुए हैं, हमारे सभी की ये प्रार्थना है कि आप नेपाल की भूमि पर भी अपने पावन चरण कमल टिकाएंगे। जी बेटा, जब मालिक ने चाहा जरूर आएंगे।